नमस्ते दोस्तों, देखिए एक और नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ मैं, नया पैटर्न। इसे आप कुछ भी बना सकती हैं, तो आज ये बनाना बताऊँगी कि कैसे बनाऊँगी। देखिए मैंने ये 14 फंदे से शुरुआत करी है और 14 फंदे से दो फंदे इधर और दो फंदे इधर छोड़ी हूँ और बीच में 10 फंदे की ये बनाई हूँ। उसके बाद मैंने ये बनाई है तो इसमें मैंने 7 फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ से 7 फंदे बढ़ा के मैं 3 सिलाई प्लेन बनाई हूँ, उसके बाद फिर घटाना शुरू करी हूँ, तो ये गोलाई शेप आ गया है और ये डिजाइन तैयार हो गई है। तो आज ये बताऊँ, दो कली इधर और दो कली इधर बना के फिर बीच में ये वाले पैटर्न डाली हूँ, तो कितना प्यारा लग रहा है। इसी को मैं बना के बताऊँगी आज, कुछ भी आप बना सकती हैं इससे जोड़ के। तो देखिए मैंने 7 और 14 फंदे मैंने इसमें डाल रखे हैं, तो इसी से मैं बना के बताऊँगी। पहला फंदा इस तरह से मैं बना लूँगी और दूसरा भी बना लूँगी, तो आपसे मैं दूसरा कलर इसमें ऐड करूँगी। तरह से और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे, ये धागा को इस तरह से लपेट लेंगे तो ये खुलेगा नहीं। ये दो फंदे लास्ट की मैं छोड़ रही हूँ और यहीं से पलट जाऊँगी और सारे उल्टे उल्टे बना लूँगी। ये इसकी सीधी साइड है, अब वो उल्टी साइड है। जिस साइड से मैंने धागा लगाई वो उल्टी साइड और इस साइड सीधी साइड हो जाएगी। ये धागा मैं उस साइड कर दूँगी और ये साइड करके ये दो फंदे हैं, इसे हम बना लेंगे इस तरह से। फिर से हम पहला फंदा इस तरह से हम उतार लेंगे और एक फंदा बना लेंगे और बाकी हम सफ़ेद से बना लेंगे इस तरह से। जिस तरह से मैं दो फंदे छोड़ी हूँ, अभी भी मैं दो फंदे छोड़ी हूँ इस तरह से, दो फंदे फिर से छोड़ेंगे। फिर से देखिए पहला फंदा मैं उतार ली और एक बना ली और बाकी हम ये सफ़ेद से बना लेंगे इस तरह से, और फिर लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये बना लेती हूँ, कली तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से दो दो फंदे मैं छोड़ दूँगी और फिर मैं बताती हूँ। देखिए ये बनके तैयार हो गया, मैं दो दो फंदे छोड़ दी हूँ। अब क्या करना है देखिए, अब पहला फंदा मैंने उतारी और ये सारे फंदे को हम लाल से बना लेंगे, इसे रेड से बना लेंगे। ये कली तैयार हो गई है, अब दूसरा कली मैं बनाऊँगी। तो जिस तरह से ये बनाई हूँ उसी तरह से वो दूसरा कली भी तैयार करूँगी और सारे फंदे मैं अभी बना ले रही हूँ इस तरह से, और इस साइड से भी सारे फंदे बना लूँगी। ये साड़े बन गए और फिर से दूसरा कली मैं तैयार करूँगी, जिस तरह से ये तैयार करी हूँ उसी तरह से। तो एक बार देख लीजिए, दो बना ली और ये तीसरा से फिर सफ़ेद लगा लेंगे। और दूसरा कली ये तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आगे बताऊँ।
देखिए ये दो फंदे फिर से मैं छोड़ दी और यहीं से लौट जाती हूँ। तो इस तरह से मैं दो दो फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए मैंने तैयार कर ली दोनों कली, जिस तरह से ये बनाई इस तरह से भी बनाई हूँ, दो दो फंदे लास्ट में छोड़ती गई हूँ। अब क्या करना है, अब ये वाली बनानी है, ये वाली कली तैयार करनी है। तो इसमें क्या करना है, इस तरह से ये दो फंदे मैं बना ली और तीसरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से, और ये सारे फंदे बना लूँगी और लास्ट के हम एक एक फंदे छोड़ेंगे। पहले मैं इस कली में दो छोड़ती थी, अब की बार एक एक छोड़ूंगी। ये तो किनारी वाली है तो ये तो मैं दो ही छोड़ूंगी और यहीं से लौट जाऊंगी। अब की बार आऊंगी तो एक ही छोड़ूंगी, लास्ट के फंदे मैं दो ही छोड़ूंगी और बाकी मैं एक एक छोड़ूंगी। सीधी साइड से कुछ नहीं करना है, उल्टी साइड से ये फंदे बढ़ेंगे और डिजाइन बनेंगे। फिर से पहला फंदा मैंने उतार लिया और दूसरा बना ली और तीसरा में मैं ये फंदे ऐड करूँगी इस तरह से, और बाकी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। और लास्ट के दो फंदे छोड़े थे, अब मैं एक एक छोड़ूंगी, तो एक एक करके मैं सात फंदे छोड़ूंगी। देखिए एक फंदे छोड़ी और यहीं से लौट जाऊंगी। तो इस तरह से मैं सात फंदे छोड़ लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए मैंने सात फंदे इसमें छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, देखिए अब मुझे तीन सिलाई प्लेन बनानी है, अब कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। इसी तरह से उल्टे उल्टे बना के तीन सिलाई निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस तीन सिलाई ऐसे ही निकालना है। और एक फंदा छोड़ रही थी वो एक फंदा फिर से मैं छोड़ दूँगी, और मैंने सात फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं। इस तरह से तीन सिलाई और निकाल लेती हूँ मैं, चार सिलाई और, एक सिलाई तो हो गई, दो सिलाई और, दो सिलाई और। देखिए मैंने तीन सिलाई निकाल ली, ये गुलाई बन गई है इसकी, इसलिए मैंने तीन सिलाई यहाँ बनाई थी। अब क्या करना है देखिए, अब जिस तरह से मैंने फंदा बढ़ाए थे उस तरह से मैं घटाऊँगी। दो फंदे मैं बना ली और दो बनाने के बाद एक एक फंदा घटाऊँगी। हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाई थी तो हर सिलाई में एक एक फंदा घटाऊँगी, और यहाँ से लास्ट से जो एक एक फंदा छोड़ी हूँ वो एक एक फंदा इसमें ऐड करती चली जाऊँगी इस तरह से ले ली, और इस तरह से फिर लौट जाऊँगी एक फंदा लेके। तो हर सिलाई में एक फंदा हमें इसमें ऐड करना है और एक फंदा घटाना है। एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगी आप लोग को। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बना ली और तीसरे में ये दो का एक कर लेंगे इस तरह से, और बाकी को हम एक एक करके बना लेंगे। और जो एक छोड़ी थी एक एक करके, उसे हमें एक फंदा इसमें ऐड कर लेना है इस तरह से। अगर गैप है तो यहाँ से एक फंदा ले लेंगे और दो का एक कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ पूरे। देखिए ये तैयार हो गया है, अब मुझे ये सफ़ेद वाली कली बनानी है। अब सफ़ेद वाली धागा लगा के इस तरह से दो कली मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरी बना के बताऊँगी, पूरी कंप्लीट करके ही बताऊँगी, क्योंकि मैंने कली बता दी है उसी तरह से इधर दो कली तैयार होगी। मैं बना लेती हूँ पूरी, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने ये कली तैयार कर ली है, अब क्या करना है, इसमें दूसरी कली इस तरह से जोड़ के और मैं पैरदान बनाऊँगी। तो मैंने छोटे बना के दिखाई है, आप चाहें तो ज़्यादा फंदा लेके बड़ा बना सकती हैं। तो इसे मैं सिल के तैयार कर लेती हूँ इस तरह से।
देखिए इस तरह से दोनों जॉइंट करके मैं सिल देती हूँ और सिल के फिर तैयार करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से ये सिल के तैयार करना है। तो मैं सिल लेती हूँ फिर दिखा। देखिए मैंने सिल के तैयार कर लिया, तो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने छोटा ही बना के दिखाया, आप चाहे तो जितना बड़ा बना सकते हो उतना फंदा आप ले सकती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।